आज हम समझेंगे डीएवी क्लास 7 एसएसटी चैप्टर 10 क्वेश्चन आंसर्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। ए टिक द करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। हु वाज द ऑथर ऑफ कविराज मार्ग? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अमोघ वर्ष। नंबर 2 विक्रमशील विहार ए सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी धर्मपाल। नंबर 3 द सन टेम्पल नॉन फॉर इट्स फाइन आर्किटेक्चर इज सिचुएटेड एट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कोणार्क। नंबर 4 हु अमोंग द फॉलोइंग किंग्स वाज इलेक्टेड बाय द पीपल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोपाल। नंबर 5 विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय द प्रतिहारास? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी महाबलीपुरम। नाउ बी फिलिंग इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप्ड वेरी फास्ट अंडर द रूल ऑफ डैश ए प्रतिहार किंग? तो इसका आंसर होगा किंग मिहिर भोज। नंबर 2 डैश वॉज द रियल फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट अम्पायर? इसका आंसर होगा दंती दुर्गा। नंबर 3 द गिफ्ट ऑफ लैंड टू द ब्राह्मिन्स वॉज नॉन एज डैश और डैश? इसका आंसर होगा ब्रह्मदेया और अगरहारा। नंबर 4 द भक्ति सेंट्स अपोज्ड डैश एंड डैश? तो इसका आंसर होगा सुपरस्टिशंस एंड नैरो माइंडेडनेस। नंबर 5 द एग्जाम्पल्स ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डैश? तो इसका आंसर होगा मूरल्स। नाउ सी राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1 द किंगडम ऑफ प्रतिहारास एंड पालास रोज इन नॉर्थ इंडिया, दिस इज ट्रू। नंबर 2 गोविंदा 3 वॉज ए राष्ट्रकूट रूलर, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नंबर 3 द त्रिपार्टाइट स्ट्रगल इन्वॉल्व्ड द राष्ट्रकूट द प्रतिहार एंड द पाला, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नंबर 4 द फोर मेन क्लैंस ऑफ राजपूत्स आर नॉन एज अग्निकुलास, दिस इज ट्रू। नंबर 5 मोहम्मद घोरी कैम फ्रॉम ईरान, दिस इज फॉल्स बिकॉज मोहम्मद घोरी कैम फ्रॉम अफगानिस्तान। नाउ डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। नंबर 1 नेम द फोर मेन क्लैंस ऑफ द राजपूत्स। आंसर इज प्रमारास प्रतिहारास चौहान्स एंड चालुक्यास आर द फोर मेन क्लैंस ऑफ द राजपूत्स। मतलब ये चार राजपूतों के मुख्य वंश हैं। नंबर 2 मेंशन द टाइटल्स टेकन बाय राष्ट्रकूट रूलर्स। आंसर इज द राष्ट्रकूट रूलर्स टुक अप द टाइटल्स लाइक चक्रवर्ती महाराज धीराज एंड परम भट्टारक। नंबर 3 हु वाज चंद बरदाई। आंसर इज चंद बरदाई वॉज ए पोएट हु कंपोज्ड एन इपिक पोएम पृथ्वीराज राजो विच नरेट्स हिज ब्रेवरी एंड हीरोइज्म। नंबर 4 लिस्ट द टेम्पल्स बुल्ट बाई प्रतिहार रूलर्स। एंसर इज द ब्यूटिफुल टेम्पल्स ऑफ खजुराहो कांचीपुरम थांजावुर भुवनेश्वर पुरी एंड कोणार्क वेयर बुल्ट बाई द प्रतिहार रूलर्स। नंबर 5 गिव रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन नॉर्थ इंडिया। Answer is the feudal system led to the decline of many empires as the feudal lords gave only a small part of the land revenue to the king. Now E. Answer the following questions. Number 1. Why is the period after Harshvardhana's death called a period of political instability? Answer is after the death of Harshvardhan, the whole empire disintegrated into many small kingdoms due to the miserable economic condition and lack of proper administration by his weak successors. This was a period of political instability in North India. Question number 2. Mention any 5 important features of the Rashtrakoot Empire. Answer is the 5 important features of the Rashtrakoot Empire were: First, it was the most powerful empire in northern Deccan in 753 CE. Second, this empire acted as a bridge between North and South India. Third, the rulers of this empire were great warriors, art lovers, and soldiers. Fourth, they maintained huge armies and encouraged trade for the prosperity of the people. Fifth, they followed Jainism but patronized Buddhists, Hindus, and Muslims. मतलब राष्ट्रकूट साम्राज्य की 5 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला, 753 CE में ये साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था नॉर्दर्न डेक्कन में। दूसरा, ये अम्पायर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच एक ब्रिज का काम करता था, मतलब इन दोनों को जोड़े रखता था। तीसरा, इस साम्राज्य के जो शासक थे
वो बहुत ही महान योद्धा थे, विद्वान थे और आर्ट लवर थे। चौथा, वे बहुत ही बड़ी सेना को मेंटेन करते थे और लोगों की समृद्धि के लिए व्यापार को बढ़ावा देते थे। पांचवा, वे जैन धर्म को फॉलो करते थे लेकिन बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और मुसलमानों की सहायता करते थे। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पाला डायनेस्टी इन वेरियस फील्ड्स? एंसर इज, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्स, बंगाल फेस्ड ए लॉट ऑफ इन फाइटिंग एमोंग द स्मॉल किंगडम्स। द पीपल ऑफ बंगाल इलेक्टेड गोपाल एज देयर किंग टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। ही सेट अप एन एम्पायर विच रूल्ड ओवर फॉर अबाउट 400 ईयर्स। मैनी सोलर्स वेयर सेंट टू डिस्टिंक्ट कंट्रीज टू स्प्रेड बुद्धिज्म। दे ऑल्सो गेव जेनरस ग्रांट्स टू ब्राह्मिन्स टू बुल्ड टेम्पल्स। पालास वेयर द ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट, एजुकेशन एंड लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर फोर, मेंशन एनी फोर फेमस फीचर्स ऑफ द प्रतिहाराज रूल। एंसर इज, द फोर फेमस फीचर्स ऑफ प्रतिहाराज रूल आर, फर्स्ट, द ब्यूटिफुल टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, कांचीपुरम, थांजावुर, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क वेयर बुल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ प्रतिहाराज। सेकेंड, द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर वॉज नागभट्ट वन। थर्ड, द प्रतिहार किंग्स वेयर ऑल्सो ग्रेट पार्टनर्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। फोर्थ, ड्यूरिंग दिस टाइम अर्ली फॉर्म्स ऑफ मराठी एंड गुजराती वेयर स्पोकन इन वेस्टर्न इंडिया, बंगाली, असामी एंड उड़िया बिकम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया। क्वेश्चन नंबर फाइव, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड। एंसर इज, इकोनॉमिक कंडीशन, देयर वॉज ए ग्रेट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमॉन्ग डिफरेंट सोशल क्लासेस। द रॉयल फैमिली, हाई ऑफिशियल्स एंड द ट्रेडर्स वेयर प्रॉस्परस। द पीपल लिविंग इन विलेजेस वेयर पुअर। सोशल कंडीशन, द रिजिड कास्ट सिस्टम लीड टू द डिविजन ऑफ इंडियन सोसाइटी। द किंग, द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड द ब्राह्मिन्स इन हाई पोजिशंस इंजॉयड ए लाइफ ऑफ लग्जरी। लैंड वॉज कल्टिवेटेड मेनली बाई सूद्रास who were burdened by taxes and social discrimination. The condition of women was quite miserable. Video ko like karke channel ko subscribe jarur kar lijiye. Milte hain next video mein.